हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक बार फिर से आप लोग के लिए गुड न्यूज लेके आए हैं परीक्षा गुरु की ओर से। तो आज की गुड न्यूज क्या होने वाली है, तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ी हेडलाइंस आपके सामने दिख रही होगी कि अध्यक्ष ने भर्ती कैलेंडर बनाने का दिया निर्देश। जी हाँ, तो शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। लगातार आप देख रहे हैं कि गुड न्यूज आ रही है कि शिक्षक भर्ती का जो इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार बहुत जल्दी समाप्त हो सकता है, क्योंकि शिक्षक भर्ती पे बहुत बड़े लेवल पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। तो जो अध्यक्ष बनी है, नहीं ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि अध्यक्ष ने भर्ती कैलेंडर बनाने का दिया निर्देश। तो देख सकते हैं कि अध्यक्ष ने खुद बोला है कि भर्ती का कैलेंडर जारी हो, यानी कि सब कुछ बिल्कुल तय तरीके से किया जाएगा। क्या क्या काम हुआ है देख लेते हैं। तो कुछ दिया हुआ है इसमें, अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने गुरुवार को शिक्षक दिवस पर कार्यभार ग्रहण किया। कामकाज संभालने के बाद उन्होंने 4 घंटे तक सभी 12 सदस्यों और अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक करके हर पहलू की जानकारी ली। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं का ख्याल रखते हुए सबसे पहले उन्होंने भर्ती कैलेंडर जारी करने के लिए कमेटी का गठन किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ऐसा नहीं है कि इस कैलेंडर बनने में बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, ये भी साफ साफ इन्होंने लिख दिया गया है। जो कैलेंडर है वो कैलेंडर बनाने के लिए विनोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है और 10 दिन के अंदर कैलेंडर जारी करने के लिए बोला गया है। तो बड़ी बात यह है कि 10 दिन के अंदर कैलेंडर बनाने के लिए बोला गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसी महीने में, आप देख सकते हैं कि 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में आपका कैलेंडर बन के रेडी हो जाएगा, जो कि प्रोफेसर अध्यक्षता जो बनी है कीर्ति पांडे जी, उन्होंने ऐसा निर्देश दिया है। ठीक है, तो देख सकते हैं बहुत बड़ी न्यूज है, अध्यक्ष ने दिया भर्ती कैलेंडर बनाने।